तो अगर आप लोग इस तरह या फिर इस तरह या फिर इस तरह थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं तो आज का व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को रजब भट्ट, डक्की भाई और जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं उन जैसा थंबनेल क्रिएट करना सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैर से होंगे। तो आप लोगों की प्यार से, आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अगर आप लोग व्लॉग बनाते हैं लेकिन अगर आप लोगों को अपने व्लॉग के लिए एक अच्छा सा थंबनेल क्रिएट करना नहीं आता, आप लोग जो है ऐसे ही थंबनेल बना देते हैं जिस पर जो है ना तो व्यूज़ आते हैं ना तो वो थंबनेल जो है किसी को भी पसंद आता है। तो अगर आप लोग उनमें से एक हैं जिनको थंबनेल तो बिल्कुल भी नहीं बनाने आता, तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को हर एक चीज़ परफेक्ट से बताने वाला हूँ कि बड़े बड़े जो व्लॉगर्स हैं वो अपना थंबनेल किस तरह क्रिएट करते हैं। जैसे कि डक्की भाई और रजब भट्ट, वो अपना थंबनेल किस तरह क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को आज के व्लॉग में परफेक्ट तरीके से बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने व्लॉग के लिए एक अच्छा सा, एक प्यारा सा थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार मेहरबानी करके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। तो आज का व्लॉग यहीं से करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप लोगों को प्ले स्टोर से ये दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एक का नाम है पिक्स आर्ट और दूसरी का नाम है पिक्स लैब। ये एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। आज हम इन दोनों एप्लीकेशन की मदद से काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना पिक्स आर्ट ओपन करना है। सो गाइस, पिक्स आर्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का एक फ़ोटो जो है निकाल लेना है और आप लोगों को पहले ये फ़ोटो सिलेक्ट करना है। कोई भी एक फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा आगे जाना है, यहाँ पर ऐड फ़ोटो पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पर पहले जो है मैं ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो है ये वाला भी फ़ोटो सिलेक्ट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर दो फ़ोटो सिलेक्ट कर दिए। अभी जो है इस फ़ोटो को आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर फिक्स कर देना है, कुछ इस टाइप से आप लोगों को इसको फिक्स कर देना है और इसको, और उसके बाद आप लोगों को इसको भी जो है कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसको खींच कर कुछ इस तरीके से कर देना है। तो यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर चेक करें, हमने अपने फ़ोटो को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को अपने किसी एक फ़ोटो पर क्लिक करना है और आप लोगों को ऊपर की साइड यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से कर देना है। इसको जो है थोड़ा सा आप लोगों को कम कर देना है और यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा कम कर देना है, इसको भी थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसको कर देना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर ये चेक करें, इसको यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर देते हैं। अभी चेक करें, अभी आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमने एक ही थंबनेल पर जो है दो दो पार्ट, जो कि मतलब कि एक ही व्लॉग पर जो है हमारे दो सीन हो चुके हैं। यहाँ पर तो मैंने ऐसे ही थंबनेल लगा दिए, ऐसे ही फ़ोटो लगा दिए, लेकिन अगर आपके पास ऐसे दो फ़ोटो हैं अपने व्लॉग के, दो ऐसे पार्ट हैं जो कि आप एक ही थंबनेल पर मिलाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मिला सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है। राइट पर क्लिक करने के बाद फिर से आप लोगों को राइट पर क्लिक करना है। सो गाइस, इतना काम करने के बाद आप लोगों को थोड़ा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ड्रैग ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा आगे जाना है तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को एक कलर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने जो है रेड कलर सेलेक्ट कर दिया। तो उसके बाद आप लोगों को अपने थंबनेल को जो है थोड़ा बहुत जूम कर देना है। जूम करने के बाद आप लोगों को अपने बीच में एक जो है लाइन लगा देनी है, मतलब कि दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं जो है एक लाइन लगा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमने अपने थंबनेल के बीच में एक लाइन लगा दी। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपने थंबनेल के बीच में एक लाइन लगा देनी है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है। अगर आप लोगों के व्लॉग पर जो है दो ऐसे सीन हो चुके हैं जिसके आप लोगों को थंबनेल पर फ़ोटो लगाने हैं तो आप लोग कुछ इस तरीके से जो है दो दो फोटो अपने एक थंबनेल पर लगा सकते हैं, तभी हम अपने थंबनेल की जो है क्वालिटी को बेहतर करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट पर क्लिक करना है। इतना काम करने के बाद थोड़ा अमाउंट को बढ़ा देना है, यहाँ पर क्लिक करना है। सेचुरेशन पर थोड़ा इसको भी बढ़ा देना है और इसको जो है कम कर देना है, यहाँ पर इतना ही कम कर देना है और इसको भी जो है थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। फिर से आप लोगों को राइट पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर से आप लोगों को टूल्स पर क्लिक करना है, फिर से आप लोगों को एडजस्ट पर आ जाना है। तो जो पहले आप लोगों ने यहाँ पर सेटिंग की थी वो सेटिंग आप लोगों को दोबारा कर देनी है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को राइट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि पहले से अभी हमारे थंबनेल की क्वालिटी कितनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग है। अभी मैं आप लोगों को इससे भी जो है और ज़्यादा मैं आप लोगों को इस थंबनेल की क्वालिटी बेहतर करना बता दूंगा। तो इतना काम करने के बाद आप लोगों को अपना थंबनेल जो है वो सेव कर देना है। सो गाइस, थंबनेल सेव करने के बाद आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों को पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को इमेज साइज पर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल साइज लगाकर ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप लोगों को डिलीट कर देना है
सो गाइस इतना काम करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है और आप लोगों को यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर जाना है। गैलरी पर जाने के बाद जो आपने थंबनेल सेव किया था वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इतना काम करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को डबल टैप करके और जो चीज़ आप लोग अपने थंबनेल पर टाइप करना चाहते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर देनी है। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट जो है ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है फॉन्ट पर जाता हूँ और कोई एक फॉन्ट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ये बबल फॉन्ट है यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और इसको जो है छोटा सा करके यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ और इसका कलर जो है यहाँ पर जो है चेंज करता हूँ, यहाँ पर इसका कलर जो है वाइट लगा देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा आगे जाना है, यहाँ पर स्ट्रोक पर जाना है, इसको थोड़ा सा आगे कर देना है और यहाँ पर स्ट्रोक को थोड़ा सा यहाँ पर 6 पॉइंट तक रहने देना है और यहाँ पर आप लोगों को शेडो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से कर देना है। तो सो गाइस अभी आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमने एक पार्ट पर जो है स्पेशल वीडियो टाइप कर दिया है। अभी हमारे पास दूसरा भी पार्ट है, हम अपने दूसरे पार्ट पर भी जो है कुछ टाइप करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को डबल टैप करके यहाँ पर आप लोगों को कोई एक चीज़ टाइप करनी है जो कि आप लोग अपने थंबनेल पर टाइप करना चाहते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर देनी है। सो गाइस यहाँ पर हमने दूसरा भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, उस पर भी जो है फॉन्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जो है फॉन्ट ऐड करते हैं, कोई एक फॉन्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ये वाला फॉन्ट ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्टाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसको भी जो है ऑन कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर कलर भी लगा देते हैं, यहाँ पर कलर ये येलो वाला कलर लगा देते हैं। और इतना काम करने के बाद आप लोगों को थोड़ा आगे जाना है, स्ट्रोक पर क्लिक करना है। जो चीज़ मैंने आप लोगों को पहले सिखाई थी वो चीज़ यहाँ पर मैं जो है वो काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से कर देना है। इतना काम करने के बाद आप लोगों को इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी बढ़ा देनी है। अपने थंबनेल के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर जो है टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर मेरे थंबनेल पर जो है नीचे की साइड जो है थोड़ी बहुत जगह है, तो यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है इसको ऐड कर देते हैं या फिर जो है इस चीज़ को कुछ यूं कर देते हैं, ये तो और भी ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो गाइस इतना काम करने के बाद ऊपर की साइड आप लोगों को सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और सेव एज इमेज पर क्लिक करके आप लोगों को कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को अल्ट्रा पर क्लिक करके सेव टू गैलरी पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। थंबनेल सेव करने के बाद आप लोगों को फिर से बैक आ जाए, यहाँ पर आप लोगों को पिक्सल आर्ट एप्लीकेशन ओपन करनी है। आप लोगों ने जो थंबनेल सेव किया था पिक्सल लैब से वो आप लोगों को यहाँ पर थंबनेल सेलेक्ट कर देना है। बाद आप लोगों को थोड़ा आगे जाना है, यहाँ पर आप लोगों को स्टिकर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च पर जाना है और यहाँ पर आप लोगों को एरो सर्च कर देना है। सो गाइस अभी आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने ज्यादा एरो आ चुके हैं। तो आप लोगों को जो पसंद आए आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इसको जो है अच्छे से फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो इसको फिक्स कर देते हैं। अभी आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमने अपने जो है थंबनेल पर कितने जबरदस्त जो है एरो लगा दिए। इतना काम करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पर हमारा 90% काम हो चुका है। अभी जैसे कि मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि आप अपने थंबनेल की क्वालिटी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, तो वो टाइम अभी आ चुका है। तो थंबनेल की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए सॉफ्टवेयर तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वो ये है, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को रीटच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। HD पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है, उसके बाद आप लोग अपने थंबनेल की क्वालिटी देखेंगे तो पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो अभी आप लोग थंबनेल की क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है पहले से ज़्यादा। तो आप लोग भी जो है कुछ इस तरीके से अपने थंबनेल को जो है HD कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को राइट पर क्लिक करना है। तो ये हमारा काम जो है मुकम्मल हो चुका है। सो गाइस अभी आप लोग इस थंबनेल को चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेहतरीन हमारा थंबनेल बन चुका है। तो आप लोग भी इससे ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ये तो मैंने थोड़ा बहुत जल्दी में बनाया, लेकिन आप लोग इससे भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।